वॉट इज फर्स्ट एड वर्क तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एड वर्क के बारे में कि यह होता क्या है और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं तो फर्स्ट एड वर्क का यह एडवांटेज होता है कि अगर किसी भी तरह की इमरजेंसी हो इंजरी हो या इलनेस हो तो उसे वर्क प्लेस पर ही इमिडिएटली इनिशियल मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड की जा सके जब तक प्रोफेशनल मेडिकल टीम ना आ जाए और वर्क प्लेस फर्स्ट एड का जो मेन एम होता है वो है लाइफ को सेव करना कंडीशन और सिचुएशन को वर्स्ट होने से बचाना और रिकवरी को प्रमोट करना और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि सभी इम्प्लॉइज़ को एडुकेट एंड अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए और साथ ही साथ वर्क प्लेस पर फर्स्ट एड के लिए ट्रेंड पर्सन मौजूद हो जो किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी में इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके तो चलिए कुछ पॉइंट्स को समझते हैं जो फर्स्ट एड एट वर्क में इंक्लूड हो सकते हैं फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट एड किट्स तो सभी वर्क प्लेस पर फर्स्ट एड किट का स्टॉक फुली अवेलेबल हो और यूज करने के लिए रेडी और सूटेबल हो और फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए ये सब डिपेंड करता है वर्कप्लेस के नेचर पर ऑर्गेनाइजेशन की साइज और वर्क प्लेस के पोटेंशियल हिजार्स पर लेकिन जनरल कंटेंट जो किट में अवेलेबल होना चाहिए वो है बैंडेज एंटीसेप्टिक वाइप्स, ट्वीज़र्स, एडिसिव टेप सीजर्स ग्लव्स पेन किलर स्प्रे एट्सट्रा सेकेंड पॉइंट है फर्स्ट एड ट्रेनिंग तो ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने कुछ इंप्लाइज को फॉर्मल फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ताकि वो अपने वर्क प्लेस के डेजिग्नेटेड फर्स्ट एडर हो और इस ट्रेनिंग में नॉर्मली ये सारी चीज़ें कवर की जाती हैं जैसे रिस्पॉन्ड इन एमरजेंसीज बेसिक लाइफ सपोर्ट वर्क प्लेस पर होने वाली कॉमन इंजरीज के बारे में और साथ ही साथ फर्स्ट एड इक्विपमेंट को कैसे यूज़ करना है इन सब की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है थर्ड पॉइंट है इमरजेंसी प्रोसीज़र तो वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए इमरजेंसी प्रोसीजर इस्टेब्लिश किए जाते हैं जैसे इमरजेंसी सिचुएशन ऑकर होने पर क्या क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में अलार्म को कैसे एक्टिवेट करना है इवेक्एशन प्रोसीज़र क्या है और इवेक्एट करने के बाद सभी इम्प्लॉइज़ को कहाँ पर इकट्ठा होना है इन सभी सिचुएशन के लिए इमरजेंसी प्रोसीज़र होता है और ऑर्गेनाइजेशन अपने सभी इम्प्लॉइज़ को रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है ताकि वो इन सभी सिचुएशन को टैकल कर सकें खुद को सेफ रख सकें फोर्थ पॉइंट है रिकॉर्ड कीपिंग तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है वर्क प्लेस पर होने वाली इलनेस और इंजरीज का रिकॉर्ड रखना और साथ ही साथ ये भी रिकॉर्ड करना कि उस इंजरी के लिए आपने क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया क्या एक्शन लिया क्योंकि इस रिकॉर्ड की मदद से आप वर्क प्लेस पर होने वाली इंजरीज और इलनेस के पैटर्न और रूट कॉज को समझ सकते हैं और उसके लिए आप वर्क प्लेस सेफ्टी मेजर्स में इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो फिफ्थ पॉइंट है फर्स्ट एड रूम तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में मेडिकल इमरजेंसीज के लिए अलग से डेडिकेटेड फर्स्ट एड रूम होते हैं या हेल्थ केयर सेंटर होते हैं जहां पर ट्रेन प्रोफेशनल मेडिकल इमरजेंसीज को हैंडल करते हैं इनिशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जब तक डॉक्टर्स या एडिशनल मेडिकल टीम ना आ जाए आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं